बागवान साथियों नमस्कार। आज मैं फिर एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आप लोगों के मध्य उपस्थित हुआ हूँ। तो आज का जो महत्वपूर्ण विषय है कि हार्वेस्टिंग से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और सावधानी रखनी पड़ती है, उसकी बात करेंगे। उससे पहले कि आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो भगवान साथियों, हार्वेस्टिंग से पहले हमें जो है कुछ एक बिंदुओं पर ध्यान रखना पड़ता है कि ताकि हम अपने जो हमारा जो इसमें फ्रूट हैं, हमारी फसल है, उसको हम सुरक्षित रखें। तो एक जो समस्या है वो वुलियफड़ आजकल बहुत पनपता है मानसून के दौरान। तो वुलियफड़, उसके अतिरिक्त मरसोनीना, मरसोनीना और अल्टरनेरिया ज़्यादा खतरनाक होता है, मरसोनीना उतना नहीं है। तो मरसोनीना उसके उपरांत आता है बगीचे में। तो बागवान साथियों, सबसे पहले मैं बुलियाफड़ के संबंध में आपको जानकारी दूंगा कि बुलियाफड़ इस प्रकार का एक कीट है जो कि साल के 13 बार जो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है। और जनरेशन को जब ये बढ़ाता है तो उसके जब ये परजीवी कीट जो है अगली जनरेशन को जन्म देता है तो इसके 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर ही जो है क्या होता है कि ये जो है अपने एक इस प्रकार का एक रेशा छोड़ता है जिसको जो वुल की तरह होता है, ऊन की तरह होता है, जो अपना एक सुरक्षा कवच बनाता है और उसके अंदर ये छिपा रहता है। और जब अंदर छिपा रहता है तो अपनी सुरक्षा के रूप में उस ऊन को ये रखता है। यदि आप इस ऊन को हाथ लगाएंगे, जिस प्रकार से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिस यहाँ देखिए, तो ये देखिए ऊन जैसी है। यदि आप इसको ऐसे मतलब इसको हाथ से ज़्यादा करेंगे, लेकिन इसमें इसके अंदर जो है एक कीड़ा निकलेगा और उसको दबाएंगे तो उससे ब्लड निकलेगा, लाल जैसा ब्लड। तो ये परजीवी कीट जो है जब पत्ते होते हैं पेड़ में तो ऊपर चढ़ता है, जब पत्ते नहीं होते हैं झड़ जाते हैं तो ये नीचे जमीन पर तौली के लिए आ जाता है। उसके दौरान ये जो है तौलिए में जो जड़ें होती हैं उसके लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ये उसको चूसता रहता है और उसमें गांठें आ जाती है। इसके अतिरिक्त ये जो है ये तनों में भी रहता है। यदि तनों में खुरदरापन उसके अंदर अपने आप को छुपाए रखता है और पौधे की जो शिराएं हैं उसमें भी ये जो है रहता है। इस दौरान जब ये इसमें रहता है आजकल मानसून के दौरान तो आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और सर्दियों में तौलिए के लिए जाता है तो तौलिए में भी ये जड़ों के लिए बहुत नुकसान पहुंचाता है। और इसके उपचार की बात है तो सर्दी में इसके लिए हम जो है इसके लिए हम कास्टिक सोडा और इसको करके जो है इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यदि इसका रासायनिक, ये तो ऑर्गेनिक उपचार है इसका, यदि हम रासायनिक उपचार की बात करें तो रासायनिक उपचार के रूप में इसके लिए आप थाइमेथोक्सोम, एलिका, इस प्रकार के इन जो है रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बागवान साथियों, आपने एक ध्यान रखना है कि आप जो है आजकल फसल पर इसको ना करें, क्योंकि अब हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ही कम समय रह गया है और क्या होता है कि इससे हमारा फ्रूट खराब होने के चांस हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ जो है माइट इत्यादि बढ़ने की भी आशंका बहुत ज़्यादा पनप जाती है। तो बागवान साथियों, तो ये बुलियफड पनप तो चुका है, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि हम जो है अब इसको हार्वेस्टिंग के बाद ही इसमें कोई सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड जैसे थाइमेथोक्सोम और एलिका और कई लोग इसके लिए मेटास्टॉक करते हैं और कई क्लोरोफॉरिफास करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि थाइमेथोक्सोम
और एलिका इसके लिए बहुत ही उचित सिद्ध हो सकती है। लेकिन फसल पे कभी भी जो है बागवान साथी इसका छिड़काव ना करें, आफ्टर हार्वेस्टिंग के ही जो है इसका छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त बागवान साथियों आपने जो दूसरा ध्यान देना है वो आपने देना है अल्टरनेरिया के ऊपर। अल्टरनेरिया आजकल अधिक बढ़ जाता है क्योंकि जो फंगीसाइड्स हैं वो भी ज्यादा दिन तक आजकल काम नहीं करती, उसका जो है उसका टाइम पीरियड भी काफी कम हो जाता है बागवान साथियों। तो आपने क्या करना है कि आजकल अल्टरनेरिया के लिए आजकल आप जो है लुस्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कार्बेंडाजिम और फ्रिसिलाजोल है। इसको भी आप 160 ml पर 200 लीटर पानी में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो है टेबुकेनाजोल और प्लुक्सोपायराम यानी कि आप लोना एक्सपीरियंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन चीजों की बागवान साथियों आपने सावधानी रखनी है आजकल प्री हार्वेस्ट के दौरान। तो ये स्प्रे बहुत ही जरूरी है फंगीसाइड्स की। तो जहां तक वुलियाफिड के लिए इंसेक्टिसाइड की, वो आप जो है हार्वेस्टिंग के बाद ही करना उचित समझे, क्योंकि कीड़ा तो पनप चुका है लेकिन यदि आप आजकल करेंगे तो फसल के लिए काफी नुकसान हो सकता है। इससे माइट और दूसरे हमारे कई जो है कई प्रकार के नुकसान इससे हो सकते हैं, या तो कलर में भी दिक्कत आ सकती है। इसके अतिरिक्त ड्रॉफिंग बढ़ने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो बागवान साथियों आज हमने विशेष तौर पर तोड़ान करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना है, उसके प्रति सचेत रहना है, इसकी जानकारी मैंने आपको दी। तो बागवान साथियों अल्टरनेरिया से बचाएं और जो वुलियाफड लगा है इसको जो है आप पोस्ट हार्वेस्टिंग के उपरांत ही जो है इसके लिए सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें। तो बागवान साथियों तो शाम के लगभग 7:40 हो चुके हैं। तो ये देखिए मैं कुछ आपको बताना चाह रहा था, अब शायद इतना अच्छा इसमें व्यूज नहीं दिख रहा है। ये देखिए इसमें साइज काफ़ी अच्छा, अभी इसमें इथेफोन का प्रयोग भी नहीं हुआ है और अभी इसमें नेचुरल कलर आया है, मात्र इसमें पोटाशियम की ही स्प्रे हुई है। तो बागवान साथियों हार्वेस्टिंग से पहले आपने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर ध्यान देना है।